हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून वेलकम टू एम वाइब आप सभी का वेलकम है स्वागत है एम वाइब के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का वेलकम आप सभी का स्वागत और जितने भी लोग सेशन के साथ कनेक्ट कर चुके हैं सेशन के साथ जुड़ चुके हैं सभी को यहां पर गुड आफ्टरनून आप सभी को यहां पर गुड आफ्टरनून फाइव हंड्रेड एमसीक्यूज की सीरीज का आज चौथा पार्ट हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले तीन पार्ट आपके ऑलरेडी यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं आज हम लोग चौथे पार्ट पर डिस्कशन करेंगे चौथे पार्ट पर नजर डालेंगे फाइव हंड्रेड ये जो एम सी क्यूज आपके यहाँ पर बनते हैं अनुमान ये है कि अपकमिंग एग्जाम्स में ये फाइव हंड्रेड एमसीक्यूज जो हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं रिविजन कर रहे हैं ये आप सभी के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एम बनते हैं एक तो ये कि ये सभी एमसीक्यूज आपके लेटेस्ट मंथ से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके यहाँ हैं और दूसरा ये कि ये सभी एमसीक्यूज आपके अपकमिंग uh, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जा सकने वाले एमसीक्यू बन सकते हैं चाहे फिर वो एग्जाम आई आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क का एग्जाम ही क्यों ना हो अपकमिंग जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में मेरा अनुमान है कि ये सभी क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे ये सभी क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के के सेशन की आप सभी के साथ, सभी स्टूडेंट्स साथ लोग तैयार हैं तो एक बार यस लिखकर मुझे यहाँ पर बताएगा कि ये सर वी आर रेडी हम लोग यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं हम लोग यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं तो एक बार फटाफट से यस लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम यहाँ पर करेंगे आज के सेशन की शुरुआत तो जितने भी लोग क्लास के साथ जुड़ गए हैं सेशन के साथ कनेक्ट कर चुके हैं सभी को यहाँ पर वेलकम सभी को यहाँ पर गुड आफ्टरनून अक्षिता इप्शिता सुप्रिया श्रद्धा सभी को गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून इप्शिता कह रही हैं सिया बिल्कुल रेडी हैं सर देखिए ये सेशन जो बेसिकली आपके यहाँ पर है बाकी सेशन से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हमें फाइव हंड्रेड डिस्कस करने हैं तो बेसिकली यहाँ पर स्पीड हमारी काफ़ी हाई होनी चाहिए क्योंकि हाई स्पीड से ही या फिर हम रैपिड फायर मोड में जब डिस्कशन करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि हम 500 हंड्रेड या उसके आसपास के एमसीक्यूज यहां यहाँ पर कवर कर पाएं। तो हमारी कोशिश यहाँ पर यह है कि आप सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएं। इसलिए स्पीड मेरी थोड़ी सी तेज़ रहेगी तो आप सभी को भी अपनी स्पीड यहां पर तेज़ रखनी है और यहां पर क्वेश्चंस का आंसर करना है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सभी लोग यहां पर जुड़ चुके हैं सभी का वेलकम सभी को यहां पर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर फोर की रेडी हैं आप सभी तो एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास की लिंक को एक जरूरी काम कि जल्दी से सेशन को शेयर करना है और फटाफट से सेशन को लाइक करना है ये दो जरूरी काम आपके यहां पर बनते हैं लाइक एंड शेयर द सेशन ओके चले क्वेश्चन नंबर वन के साथ डिस्कशन की करेंगे शुरुआत और क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने आने से पहले याद दिला दूं वन पी पर एप सेशन एम एप्लीकेशन पर myv एप्लीकेशन पर ये जो ऐप सेशन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ये डेली बेसिस पर मिलेगा तो अब आपको मैं बात करूं myv एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट आपका यहां पर ऑन गोइंग है तो कल हम लोग मॉक नंबर 5 डिस्कस करेंगे 1 pm पर myv एप्लीकेशन पर और नेक्स्ट वीक भी पूरे हफ्ते हम लोग यहां पर जे के मॉक डिस्कस करेंगे बट मंडे से आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है मंडे से आप सभी की कमजोरियों को दूर करने के लिए एक नया सेशन शुरू हो रहा है 12 पीएम पर दोपहर बारह बजे एक नया सेशन पर शुरू होने वाला है मंडे से सोमवार से और यह सेशन होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का तो मुझे आज जरा यह लिखकर बताओ कि क्या सच में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की आप सभी को नीर थी फाइनेंशियल अवेयरनेस हा या ना पहला सेशन होगा मंडे को दोपहर बारह बजे यानी कि सर हमें बारह से लेकर एक बजे तक लगातार जुड़ना होगा आंसर इज यस बारह बजे आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन होगा जो अपकमिंग सभी बैंकिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा क्योंकि वहां से बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, पूछ हैं। थ्योरी को थ्योरी सेशन नहीं होगा वो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड सेशन होगा जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करते चलेंगे ये मत सोचेगा कि वहां पर हम लोग रैपिड फायर मोड में डिस्कशन करेंगे

ओके देन क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर यहां पर कीजिएगा क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिएगा और आंसर यहां पर कीजिएगा सभी लोग ओके फटाफट से क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर यहां पर कीजिएगा सभी लोग चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की सभी तैयार चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर यहां पर दीजिएगा आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर यहां पर दीजिएगा विच ऑफ विच इज फर्स्ट इंडियन एक्टर फर्स्ट इंडियन एक्टर टू विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट डर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डर्बन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले एक्टर का नाम यहां पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन मैं अपनी पोजीशन यहां पर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों क्लियरली यहां पर विजिबल रहे दैट्स नाइस nice. बताइएगा डर्बन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डर्बन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता यहां पर कौन बनते हैं आपको यहां पर स्पीड में आंसर देना होगा सभी का आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनोज वाजपेयी तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मनोज वाजपेयी जी यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनते हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मध्य प्रदेश स्टेट हैज रिटेन दाइएस्ट टाइगर काउंट पोजिशन एज द सेंसस एज पर देंस वॉट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टाइगर बिटवीन दी टू थाउजेंड एंड एटीन टू टू थाउजेंड एंड ट्व इन द स्टेट ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट ने बाघों की संख्या में सर्वोच्च स्थान बरकरार रखा है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स आपके मध्य प्रदेश में ही है अमनप्रीत कौर जी गुड आफ्टरनून राज्य ने 2018 से लेकर 2022 के बीच में बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि बताइएगा सही जवाब स्टेट के अंदर यहां पर जो हुआ है दो लेकर बाईस के बीच में कि चार सालों के अंतराल के दौरान प्रदेश में टाइगर्स की संख्या में इजाफा हुआ है तो चौबीस प्रतिशत का इजाफा हुआ है याद रखिएगा हर चार साल में एक बार टाइगर होता है

टाइगर सेंसेस आपका 2006 में हुआ था साथ ही साथ याद रखिएगा तो 2018 से लेकर 2022 के बीच में कितने टाइगर्स कितने परसेंटेज टाइगर्स इंक्रीज हुए हैं तो 24 परसेंट टाइगर्स आपके यहां पर इंक्रीज हुए हैं सुप्रिया जी गुड आफ्टरनून वेलकम अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर मनोज वाजपेई विंस द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर विच मूवी एट दर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डर्बन इंटरनेशनल 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 नहीं है ये इंटरनेशनल है डर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज वाजपेयी ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है फिल्म का नाम आपका यहाँ पर बनता है जोरम ऑप्शन नंबर सी जोरम फिल्म के लिए उन्होंने ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपके यहाँ पर जीता था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कभी कभी हमारे शरीर में या हमारे अंदर जो बच्चा होता है चाइल्ड होता है वो निकलकर सामने आ जाता है तभी हमारी जवान लड़खड़ा जाती है चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर हु हैज बीन कंफर्ड विद द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड एट द डर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 डर्बन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार या सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है पांच ऑप्शन सही जवाब यहां पर सही जवाब सुप्रिया इपशिता अमनप्रीत श्रद्धा सभी

और नो में दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर यस yes, और नो में दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ओके एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन बेस्ट ऑन विद द ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 एट द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड 2023 फटाफट से आंसर साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड 2023 के छठे संस्करण में वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है पर्सनैलिटी का नाम यहां पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन सही जवाब पर्सनैलिटी का नाम यहां पर क्या बनेगा ये पर्सनैलिटी आपके बनते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीपक शिनॉय नो no, ऋषि वर्मा इज नॉट द करेक्ट आंसर है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग इसका सही जवाब दीपक शिनॉय आपके यहां पर बनते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है सॉरी अजीबो गरीब जो आपको आवाज सुनने को मिली उसके लिए माफी चाहूंगा ऑप्शन नंबर बी दीपक शिनो इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन अह हु होस्टेड द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रेंड्स काउंसिल रेटिंग्स एंड मैडी इन मुंबई मुंबई के ब्रांड्स काउंसिल रेटिंग्स एंड मेडिलिंग्स के द्वारा आयोजित साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड दो के छठे संस्करण के लिए सिक्स एडिशन की मेजबानी आपकी यहां पर किसने की है पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर नाइन सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आदिति गोवित्रिकर ऑप्शन ना नो 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 बरखा दत्त इज नॉट करेक्ट वन यहां पर सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है यानी कि आदिति गोवित्रीकर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम इज एम्ड एट इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया इट वाज लॉन्च्ड इन विच आपको बताना है कि कब प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत आपकी यहां पर की गई थी हिंदी ट्रांसलेशन पर ध्यान मत दीजिए क्वेश्चन यह है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना जिसका मेन एम है किसानों को रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ताकि वो बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर कर सके

रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स अप टू मेगावाट कैपेसिटी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कौन एलिजिबल है कौन पात्र है जो कि दो मेगावाट क्षमता तक सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित यहां पर करने के लिए पात्र है तो क्या इंडिविजुअल है ग्रुप ऑफ फार्मर्स इसके लिए एलिजिबल लिए है लिए लिए। पंचायत है किसान लिए 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 लि� संस्थान भी किसानों का ग्रुप भी और पंचायत इनमें से ये सभी इसके लिए एलिजिबल हैं ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन प्रपोज्ड टू बी द विजिटर्स टू ऑल द आईआईएम आई आई एम का फुल बनता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल भारतीय प्रबंधन संशोधन उसमें किस आई आई एम का विजिटर बनाया जाएगा पांच ऑप्शन होंगी हमारे देश की राष्ट्रपति यानी कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति बनती है द्रौपदी मुर्मू और आगे आने वाले समय में जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे वो सभी आई आई एम्स के विजिटर के तौर पर आपके यहां पर जाने जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट establish टेक्नोलॉजी विल facility प्लांट माइक्रोन टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने किस राज्य में सेमी कंडक्टर सुविधा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है तो यहां पर स्टेट का नाम क्या बनेगा जहां पर सेमी कंडक्टर फैसिलिटी प्लांट को स्टैब्लिश करेगी माइक्रोन टेक्नोलॉजी सही जवाब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएगा फटाफट से सही जवाब स्टेट आपके यहाँ पर बनता है भारत के वेस्टर्न क्षेत्र में मौजूद गुजरात

अमेरिका के पॉल हार्बर पर हमला किया था और उसके बदले के लिए जापान अमेरिका ने जापान पर हीरोमा और नागा पर दो अटोमिक बॉम्ब आपके यहां पर गिराए थे नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वॉज द निक नेम ऑफ द अमेरिकन अटोमिक बॉम्ब्रॉप ऑन हिरोशिमा जापान इन 1945, 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए अमेरिकी परमाणु बम का निकनेम आपका यहां पर क्या था इस परमाणु बम का निकनेम था फैटमैन लिटिल बॉय स्माइलिंग बुद्धा दी गैजेट या फिर लेयर लेक क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पर गिराया गया और 9 अगस्त को जापान का शहर नागा साकी, तीन दिन बाद फेटमैन नाम का अटोमिक बॉम्ब नागासाकी सिटी पर गिराया गया क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन Who becomes the youngest ever world champion to claim the country's first ever individual title at senior level? Senior starper. देश का पहला व्यक्तिगत खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन जो रिसेंटली बना है उनका नाम यहां पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिए और प्रैक्टिस इस तरीके से करिए कि जितना एग्जाम में आपको समय लगे देखिए एग्जाम में समय कम नहीं पढ़ना चाहिए टाइम कम नहीं पढ़ना चाहिए जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है यह बात ध्यान रखिएगा देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं सर ज्यादा समय लग रहा है देखो एक बार ही समय लो लेकिन ज्यादा समय मत लो एक बार में उतना समय जरूर लो जितना समय क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ने में लगता है और उतना समय लेने के बाद फिर आंसर्स को टिक करो ठीक है जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है करेक्ट आंसर यहां पर खिलाड़ी स्वामी, तो वेरी श्रद्धा, सुप्रिया आप सभी का आंसर है स्वामी बिल्कुल सही है आप सभी का जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन दी 2023 थ्री वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप वॉज हेल्ड फ्रॉम दी थर्टी जुलाई to so, 6th of August 2023 in Berlin, Germany. Uh, who is the sponsor of this championship? This question का answer ध्यान से दीजिएगा. 2023 विश्व तीरंदाजी championship 31 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक Berlin, Germany में आपकी यहाँ पर आयोजित की गई थी. इस championship का प्रायोजक आपके यहाँ पर कौन था? Sponsor आपके यहाँ पर कौन था? पांच ऑप्शन सही जवाब. कंपनी का नाम यहाँ पर क्या बनेगा? Tata Group इसका sponsor था. Emirates, Hyundai, American Express या फिर Jaguar Land रोवर सुप्रिया इप्शिता का आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या सर सही हो सकता है तो देख लेते हैं क्या हुडाई साउथ कोरियन कार कंपनी हुंडाई यहां पर सही जवाब है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर अलीमा खातून जी हाँ ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर नेम इज मनोज तिवारी अनाउंसिस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ही हेल्स फ्रॉम विच स्टेट भारतीय घरेलू खिलाड़ी मनोज तिवारी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है वे किस राज्य से बिलोंग करते हैं और वो इस राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आपके यहाँ पर बनते हैं बट ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि हाल ही में मनोज तिवारी ने जो यहाँ पर संन्यास लिया है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं क्योंकि उन्होंने अपना संन्यास दो तीन दिन बाद वापस भी ले लिया था ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अनाउंस करने के दो तीन दिन बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट वापस भी ले लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर हाइड हो जाऊंगा पोएट कवि और डिप्लोमेट है नाम है इनका अभय कुमार रीड एक्सर्स फ्रॉम हिज बुक इन कथिका कल्चरल सेंटर दिस प्लेफुल लॉन्ग वाइंडिंग लव पोय इज इंस्पायर्ड बाय विच पोएट कवि हैं राजनयक हैं अभय कुमार ने कथिका सांस्कृतिक केंद्र में अपनी किताब अपनी पुस्तक के अंश पढ़े और इसमें कविता उन्होंने वहां पर पढ़ी थी ये कविता किससे संबंधित थी ये कविता किससे संबंधित थी या उनकी किताब में ये जो पयम मौजूद थी वो महाकवि कालिदास जी के मेघदूतम या मेघदूत से आपकी यहां पर प्रेरित थी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन जिनका नाम था जोस पॉलिनो गोंस टली एट द एज ऑफ वन टी बिलोंग टू विच कंट्री विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉस पॉलिनो 127 वर्ष की आयु में निधन आपका यहाँ पर हो गया है वह किस कंट्री से आपके यहाँ पर बिलोंग करते थे दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान हाल ही में इनकी डेथ हुई है किस कंट्री से बिलोंग करते थे ये ब्राजील से आपके यहाँ पर बिलोंग करते थे ऑप्शन नंबर सी ब्राजील इज द राइट आंसर यर वेरी गुड एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन शीधर जगदीशन हैज द हाइएस्ट पेड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड ही इज द सीईओ ऑफ विच बैंक फटाफट से मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां पर क्या होगा धर जगदीशन शचीधर जगदीशन फाइनेंशियल ईयर 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनते हैं तो ये किस बैंक के सीईओ आपके यहां पर बनते हैं क्वेश्चन नंबर ये बैंक के सीईओ आपके यहां पर बनते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर मार्केट वैल्यूएशन या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर फटाफट से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटीन ईयर ओल्ड आदित्य Swami became the senior world champion after defeating Andrea.

और बॉयज के मुकाबले क्योंकि मुझे अभी तक एक भी बॉय यहाँ पर नजर नहीं आया तो लड़कियां ज्यादा सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर यह मुझे देखकर अच्छा लगा वुमेन एम्पावरमेंट शानदार अगर कोई भी मेल कैंडिडेट हमारे साथ लाइव है तो जरा बताए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम लोग साई के नाम से जानते हैं हैज अ शॉर्ट मूवी सीरीज जिसका नाम है हल्ला बोल अंडर दी अम्ब्रेला कैंपेन चिड फॉर इंडिया ऑन द जर्नी ऑफ फॉर विच एथलीट या किस गेम के लिए एथलीट्स की यहां पर बात हो रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस खेल के एथलीटों की यात्रा पर अम्ब्रेला अभियान चेयर फॉर इंडिया के तहत एक शॉर्ट फिल्म हल्ला बोल आपके यहां पर लॉन्च की है ताकि इस खेल के खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जा सके अप किया जा सके बताएगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन करेक्ट आंसर बनेगा एशियन गेम्स खेलने जाने वाली जो हमारा दल है हमारी टीम है उनको बेसिकली बेसिकली अप करने के लिए मोटिवेट करने के लिए यह शुरू किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following defense forces has inducted a lighter and compact version of weapon locating radar जिसका नाम है Swathi Mountains? निम्नलिखित में से किस रक्षा बल ने स्वाति माउंटेन नामक हथियार लोकेटिंग रडार का हल्का और एक कॉम्पैक्ट वर्जन आपके यहां पर शामिल किया है? तो इसे शामिल किया गया है इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में, CRPF में या फिर CAPF में? किस फोर्स में इसे शामिल किया गया है? पांच ऑप्शंस सही जवाब स्वाथी स्वाथी माउंटेन्स रडार हल्का और उन्नत संस्करण करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसे इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है इंडियन आर्मी में इसे शामिल किया गया है ऑप्शन नंबर सी इंडियन आर्मी इज द राइट आंसर इंडियन आर्मी या फिर इंडियन आर्मी डे जो आपका मनाया जाता है वो पंद्रह जनवरी को मनाया जाता है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चेयर थर्टी एट्थ मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा पर ऑफिशियल लैंग्वेज पर संसदीय समिति की अड़तीसवीं बैठक की अध्यक्षता आपकी यहाँ पर किसने की है नरेंद्र मोदी जी ने नित्यानंद राय जी ने अमित शाह जी ने जी किशन रेड्डी जी ने या फिर अर्जुन राम मेघवाल जी ने थर्टी एट्थ मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन सही जवाब बनेगा हमारे देश के गृह मंत्री गृहमंत्री होने के साथ साथ ये हमारे देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी बनते हैं सहकारिता मंत्री ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हियर यहाँ पर बताएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी मुझे हाइट होना होगा इसरो आई एम एस वन सेटेलाइट बस टेक्नोलॉजी टू तो विच प्राइवेट कंपनी फॉर मैन्युफैक्चर इसरो ने निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए आई एम एस वन सेटेलाइट बस तकनीक को किस निजी कंपनी को हस्तांतरित करने की घोषणा की है यह निजी कंपनी यहाँ पर कौन सी कंपनी बनती है क्वेश्चन नंबर थर्टी बताइएगा सही जवाब पांच ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टीजियस डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट द अपकमिंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के आगामी भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा की फील्ड में प्रतिष्ठित विविधता पुरस्कार से किसे आपके यहां पर सम्मानित किया जाएगा पर्सनालिटी का नाम क्या होगा क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम किया है तो डायवर्सिटी के लिए काम करने के लिए उनको यह अवार्ड आपके यहां पर दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सही जवाब बनेगा मुरनाल ठाकुर ये एक एक्ट्रेस हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर वेरी गुड एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन Which edition of Durand Cup has been inaugurated recently by the Defence Minister Rajnath Singh? हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में डूरड कप के किस संस्करण का किस एडिशन का उद्घाटन अभी रिसेंटली आपका यहाँ पर किया है पांच ऑप्शन सही जवाब डूरंड कप हमारे देश में और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट आपका यहां पर बनता है ये कौन से नंबर का एडिशन होगा डूरंड कप का ये एक एडिशन होगा जिसका उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट भी आपका यहां पर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच टीम हैज द दाइस्ट नंबर ऑफ हिस्टोरिक ट्रॉफीज इन डूरंड कप टिल डेट डूरंड कप के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा ऐतिहासिक ड ट्रॉफियां किस टीम ने आपकी यहां पर जीती हैं या किस टीम के पास सबसे ज्यादा डूरंड ट्रॉफी है जिन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट में आपकी यहां पर जीती हैं पांच ऑप्शन सही जवाब सबसे ज्यादा बार डूरन ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है करेक्ट आंसर सही जवाब है मोहन बागान क्लब जो आपका है मोहन बागान फुटबॉल क्लब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्लब ने सबसे ज्यादा डूरंड ने ट्रॉफीज आपकी यहां पर जीती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज बीन कंफर्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ड्यूरिंग द 13th नेशनल ऑर्गन donation डे राष्ट्रीय अंग दान दिवस के दौरान अंग प्रत्यारोपण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है यानी कि सबसे सबसे ज्यादा और बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर दी है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यह किस स्टेट ने आपके यहां पर दी है तो राज्य का नाम यहां पर क्या बनेगा यही राज्य इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट में भी नंबर वन पोजिशन पर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनके निर्यात में नंबर वन

औपचारिक रूप दिया गया था या औपचारिक रूप से अप्रूवल कब दी गई थी आपने जरूर सुना होगा कि किसी इंसानी शरीर में कोई अंग है खराब हो जाता है तो उसका ट्रांसप्लांटेशन होता है और वो शरीर का अंग चेंज कर दिया जाता है दूसरे शरीर यानी कि दूसरे व्यक्ति के अंग का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है 2008 में तमिलनाडु राज्य के अंदर जो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो फॉर्मलाइज हुआ था औपचारिक आप शुरुआत आपकी यहां पर हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च रिजिवनेशन वर्क फॉर दी 13 रेलवे स्टेशन अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 13 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का काम आपके यहां पर शुरू किया है मध्य प्रदेश स्टेट महाराष्ट्र स्टेट असम स्टेट उड़ीसा और कर्नाटक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेरह रेलवे स्टेशनों को फिर से रिजुबिनेट किया जाएगा उनका फिर से पुनर्निर्माण किया जाएगा ठीक है उसे मॉडर्नाइज आपका किया जाएगा यहां पर जो स्टेट बनता है वो उड़ीसा स्टेट है इसे करेक्ट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन

ठीक है लेकिन जल्द ही लॉन्च होगा जल्द ही आ सकता है नोटिफिकेशन अपनी तैयारी रंजन जी रखिए कभी भी अनाउंस हो सकता है जो बीच की विंडो होगी अभी कुछ प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपके मेंस के एग्जाम बचेंगे तो बीच की जो विंडो होगी उसमें आपके एसबीआई के एग्जाम होंगे जल्द ही आएगा बट अभी मैं बता नहीं सकता क्या डेट हो सकती है बट तैयारी अपनी रखिएगा अमृत तो भारत स्टेशन योजना की शुरुआत आपके यहां पर कब की गई थी तो निरंतर बेसिस पर हमारे देश के रेलवे स्टेशनों का विकास होगा पुनरुद्धार होगा इसके इस योजना को शुरू किया गया था क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन करेक्ट आंसर आपका यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में यानी कि इसी साल इस योजना की शुरुआत आपकी यहां पर हुई थी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीएमए एनडीएमए रिसेंटली सेट सेवरल

पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपदा आती है समस्या आती है भूकंप आता है विपदा आती है तो उसको टैकल करने के लिए तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब इस क्वेश्चन का बनेगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2005 में की गई थी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ देशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्राकृतिक आपदा या फिर मानव निर्मित आपदाओं पर प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए उसे टैकल करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पधीन अध्यक्ष कौन होता है एनडीएमए का पधीन अध्यक्ष आपके यहाँ पर कौन होता है ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन का मतलब यह है कि इस पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता कोई इलेक्शन नहीं होता जो भी जिस समय देश का प्रधानमंत्री होता है वो उस समय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑटोमेटिकली आपके यहां पर बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे प्रधानमंत्री देश के नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं ठीक उसी प्रकार वो एनएमडीसी के भी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन आपके यहां पर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाय द ग्रैंड व्यू रिसर्च इंक व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट साइज बाय द 2023 अगर आप इकोनॉमिक आर्टिकल बहुत डिटेल में पढ़ते हैं या न्यूज डिटेल में पढ़ते हैं करंट अफेयर्स तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ग्रैंड व्यू रिसर्च इंक की और इस नई रिपोर्ट के अनुसार दो तक वैश्विक तकनीकी कपड़ा बाजार यानी कि ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट का जो साइज होगा आकार होगा 2030 तक वो कितने यूएस डॉलर तक आपके यहां पर पहुंच जाएगा ये दो बिलियन यूएस डॉलर तक ये ग्लोबल मार्केट आपका पहुंचेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर डिस्कशन आपके यहां पर कंप्लीट हुआ देन डू लाइक द सेशन टोटल काउंटिंग देखें तो अभी तक दो सौ हम लोग कवर कर चुके हैं अपनी फाइव हंड्रेड करेंट अफेयर एम सीरीज में लगभग टू हंड्रेड एंड फोर्टी एम का रिविजन पूरा हुआ डू लाइक द सेशन जिन लोगों ने लाइक like ना किया हो नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीतारमन हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आइकॉनिक साइट म्यूजियम एट आदि ये बेसिकली एक लोकेशन है आदि चिनलूर इन तमिलनाडु दिस साइट इज नोन फॉर विच एज केंद्रीय वित्त मंत्री मिसेज निर्मला सीतारमन जी ने तमिलनाडु के आदि चिन्नलूर में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय यानी कि आइकॉनिक साइट म्यूजियम की आधारशिला रखी है जल्द ही यहां पर म्यूजियम बनकर तैयार होगा ये जो जगह है ये जो साइट है ये किस युग के लिए जाने जाती है किस एज के लिए पांच ऑप्शन सही जवाब ये आपकी आयरन एज के लिए जानी जाती है यानी कि लौह युग जब आदिवासी या जब हम हमारे पूर्वजों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था वो आयरन एज आपकी यहां पर कहलाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जहां पर लोहे की खोज हो चुकी थी डीपोर व्हील इज फेसिंग Anthropogenic threat, despite its protected status, it is situated in which state of India? Deepore, Bhil, basically, है, है, और ये संरक्षित भी है बावजूद मानव जनित खतरे यानी कि इंसानों से इसे खतरा है इंसान इसका अतिक्रमण कर रहे हैं और इस झील को खत्म करने की कोशिश हो रही है ये झील चर्चा में है खबरों में है और यह झील भारत के किस राज्य में लोकेटेड है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सही जवाब इस क्वेश्चन का बनेगा असम स्टेट ये झील भारत के असम राज्य में लोकेटेड है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट्री पैनल हैज रिकमेंडेड लोवरिंग दिनिम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग एन असेंबली इलेक्शन एक संसदीय पैनल यानी कि संसद की एक कमेटी संसद का एक पैनल विधानसभा चुनाव जो आपके राज्य के अंदर चुनाव होते हैं राज्य सरकार के जो चुनाव होते हैं विधानसभा के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो अब मिनिमम आयु न्यूनतम आयु अभी

आई ओ टी बेस्ड ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म टाइटल इज भू विजन हैज बीन लॉन्च रिसेंटली इट इज असोसिएटेड विद विच ऑफ दंग हाल ही में भू विजन ये नाम है भूविजन नामक एक क्रांतिकारी आईओटी आधारित स्वचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्लेटफॉर्म है यह जियो मैपिंग से संबंधित प्लेटफॉर्म है लैंड फॉर्म टेस्टिंग से संबंधित है क्रॉप टेस्टिंग फसल की टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग जमीन की टेस्टिंग मिट्टी की टेस्टिंग या फिर एटमोस्फेरिक प्रेसर टेस्टिंग से संबंधित यह एक पोर्टल आपका यहाँ पर बनता है प्लेटफॉर्म आपका यहां पर बनता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ये मिट्टी की गुणवत्ता यानी कि सॉयल टेस्टिंग से संबंधित आपका यहां पर प्लेटफॉर्म फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर घबराना नहीं है सारे के आंसर हैं कोई भागेगा नहीं पूरी कोशिश कीजिएगा कि सभी के नहीं बनेंगे अगर आप रहेंगे क्वेश्चन को फेस करेंगे नई करंट अफेयर पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली द रिकॉर्ड फॉर स्मॉलेस्ट वुडन स्पून ही इज फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हाल ही में एक भारतीय सूक्ष्म कलाकार ने माइक्रो आर्टिस्ट ने सबसे छोटे लकड़ी के चम्मच का रिकॉर्ड बनाया है वह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हैं जिन्होंने सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच आपका यहां पर किया है ये बिहार के माइक्रो आर्टिस्ट आपके यहां पर बनते हैं ऑप्शन नंबर डी दिस इज नॉट केरला ये बिहार के माइक्रो आर्टिस्ट है जिन्होंने लकड़ी का सबसे छोटा आइडियल चम्मच अभी रिसेंटली बनाया है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर विच माइक्रो आर्टिस्ट हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वुडन स्पून इंटरिंग

B is the right answer here. Sashikant Prajapati has created a record for making the world's smallest wooden spoon by breaking, the record of which micro artist Sashikant Prajapati. Ne माइक्रो आर्टिस्ट जो है रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच बनाया है उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन सेकंड की इससे पहले दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच किस माइक्रो आर्टिस्ट ने आपके यहां पर बनाया था क्वेश्चन नंबर फोर्टी करेक्ट आंसर है नवरतन प्रजापति मूर्तिकार ये भी बिहार स्टेट से ही बिलोंग करते थे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हर नवरतन प्रजापति मूर्तिकार के नाम पर था इससे पहले ये रिकॉर्ड और अब ये रिकॉर्ड हो चुका है शशिकांत प्रजापति जी के नाम पर दोनों ही बिहार के माइक्रो आर्टिस्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा हैज रिसेंटली पास द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ अमेंडमेंट बिल 2023 दिस बिल इज आल्सो नोन एज इस बिल को और किस नाम से भी जाना जाता है राज्यसभा ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 हजार तेईस आपके यहां पर पारित किया है इस विधेयक को किस नाम से भी जाना जाता है इस विधेयक का दूसरा नाम आपके यहां पर क्या बनता है पांच ऑप्शन सही जवाब इस विधेयक का दूसरा नाम है डेली सर्विस बिल ऑप्शन नंबर बी जिसके बाद केंद्र सरकार को दिल्ली के अंदर जो उच्च अधिकारी हैं हायर लेवल के जो अधिकारी होते हैं दिल्ली सरकार के उनको नियुक्त करने और बर्खास्त करने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास चली जाएगी दिल्ली सर्विसेज बिल के पास होने के बाद लागू होने पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया यानी कि ये जो बिल आपका बनता है ये बिल किससे संबंधित बिल है ये बिल किससे संबंधित बिल है पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर जो अधिकारी वगैरह हैं उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर से संबंधित है एक्साइज टैक्स इन द नेशनल टेरिटरी नेशनल टेरिटरी के अंदर एक्साइज टैक्स

को लाइक ना किया हो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वोटेड फेवरिंग द डेली सर्विसेज बिल 2023 ट्वेंटी थ्री कितने संसद सदस्यों ने दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में मतदान आपका यहां पर किया था 102 लोगों ने यानी कि इस बिल के पक्ष में 102 वोट पड़े 113 सौ तेरह एक सौ छब्बीस एक सौ इकतीस या फिर 140 क्वेश्चन नंबर 51 वन सही जवाब इस क्वेश्चन का बनता है टोटल 131 वोट अरे पक्ष में मतदान किया विपक्ष में नहीं तो पक्ष में मतदान हुआ है एक लोगों का पक्ष में मतदान हुआ और विपक्ष में हुआ 102 लोगों ने इसके ऑपोजिशन में और एक लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया नेक्स्ट क्वेश्चन सी एफ ओ ऑफ टेस्ला एज यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक vehicle ज्वाइंट अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पर किसे आपके यहाँ पर नामित किया गया है पांच ऑप्शन टेस्ला के सी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नामित किया गया है पांच ऑप्शन सही जवाब करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब यहां पर बनेगा वैभव तनेजा भारतीय मूल के वैभव तनेजा दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आपके यहां पर बने हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन ऑरिजन वैभव तनेजा हैज बीन नेम्ड एज द एफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला बाई रिप्लेसिंग यानी कि उन्होंने टेस्ला के सी बनने के लिए किसका स्थान लिया है भारतीय मूल के वैभव तनेजा को किसके स्थान पर टेस्ला का सीएफओ आपका यहां पर अपॉइंट किया गया है तो इससे पहले टेस्ला के सीएफओ कौन थे पांच ऑप्शन सही जवाब सबका आंसर है ऑप्शन नंबर ई तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान कैबिनेट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्स एंड डिविजन विद द स्टेट राजस्थान विल हैव हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में नए जिलों और संभागों के निर्माण को मंजूरी आपके यहां पर दे दी है इनके जुड़ने के बाद राजस्थान में कितने जिले हो जाएंगे मतलब कि नए जिले जो राजस्थान में बनाए गए हैं नए जिले जो राजस्थान में आपके यहां पर बनाए गए हैं नए जिले जो राजस्थान में आपके यहां पर बनाए गए हैं अब उन नए जिलों के बाद राजस्थान में टोटल जिलों की कुल संख्या आपकी यहां पर कितनी हो जाएगी तो यहां पर टोटल जिलों की कुल संख्या आपकी 50 हो जाएगी 50 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन following ऑफ has हैज बीन to टू बी एडेड the द राजस्थान कैबिनेट आफ्टर द प्रपोजल ऑफ high लेवल committee?

आपके जुड़ने जा रहे हैं राजस्थान के मैप में जिसके बाद राजस्थान के टोटल जिलों की संख्या आपकी यहां पर हो जाएगी आपकी 50 अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश स्टेट ने भी एक नया स्टेट एक नया

प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसे थालीनोमिक्स कहा जाता है, इसे किया जाता है। तो यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि बीते कुछ महीनों में महंगाई बढ़ी है और अगर हम वेज थाली की बात करें जिसका मेन कारण टमाटर थे कि टमाटर की कीमतों में काफी तेजी से इजाफा हुआ था तो वेज थाली की जो कीमत थी यानी कि इसकी जो कॉस्टिंग थी वो करीब

छोड़ दिया है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी तक भारत में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के मामले में नंबर वन पोजीशन पर थी लेकिन अब इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है यह कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहां पर जो पूछा जा रहा है प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो अप्रैल से लेकर जून की जो तिमाही है फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई एक अप्रैल से अप्रैल से मई मई से जून ठीक है तो अप्रैल मई जून इन तीन महीनों में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी एस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी यहां पर बनी है नेक्स्ट क्वेश्चन हैज बीन रिप्लेस बाय दी संजय कुमार अग्रवाल एज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स चेयरमैन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा सिल्क बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर संजय कुमार अग्रवाल के स्थान पर किसे आपको यहां पर नियुक्त किया गया है पांच ऑप्शन सही जवाब संजय कुमार अग्रवाल की जगह सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन कैसे बनाया गया है क्वेश्चन नंबर 58 सही जवाब इस क्वेश्चन का नाम बनेगा विवेक जौहरी जी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सभी गर्ल्स लिखकर मुझे बताइएगा ये रिवीजन सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं मजा आ रहा है रिवीजन हो रहा है डेली बेसिस पर ये रिवीजन चल रहा है कल भी 3 पीएम पर ये क्लास होगी कल भी हम लोग एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे तो एक बार यस लिखकर मुझे बता दीजिएगा जरूर क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी के लिए ना चाहते हुए भी होमवर्क है मैं यहाँ पर अभी 10-12 क्वेश्चन और करा था लेकिन 4 पीएम पर मेरी एक मीटिंग है तो हम लोग इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 मैं आपको होमवर्क के लिए देकर जा रहा हूं विजय शेखर शर्मा ने यहाँ पर 10.3 परसेंट शेयर होल्डिंग खरीदी है पेटीएम में और अब यहाँ पर विजय शेखर शर्मा की पेटीएम कंपनी के अंदर जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो कितनी हो गई है जिसके बाद विजय शेखर शर्मा पेटीएम कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर आपके यहाँ पर बन जाते हैं और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी भी आप सभी के लिए यहाँ पर होमवर्क है ठीक है मंडे से यानी कि सोमवार से आप सभी के लिए एक नया सेशन शुरू हो रहा है पता है ना नई टाइमिंग नया सेशन नया टॉपिक मंडे से आप सभी के लिए एक नया सेशन शुरू हो रहा है एम एप्लीकेशन पर और टाइमिंग है एम एप्लीकेशन पर 12 पीएम की एम एप्लीकेशन पर 12 पीएम की टाइमिंग पर एक नया सेशन शुरू हो रहा है और यह सेशन आपकी कमजोरियों को दूर करने के लिए है यह सेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो नॉलेज है उसको एनहेंस करने में आप सभी की मदद करेगा सो फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए नया सेशन पूरे हफ्ते चलेगा दोपहर बारह बजे एम बाइव एप्लीकेशन पर तो सभी लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मंडे से एम बाइव एप्लीकेशन पर याद रखेगा मेंस एग्जाम की कैटेगरी में मेंस एग्जाम की कैटेगरी में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन आपका स्टार्ट होगा ट्वेल्व पी पर सभी लोग उस सेशन को रजिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट कर लीजिएगा 12 बजे के बाद 1 पीएम पर 1 बजे जो आपका जीए का मॉक टेस्ट चल रहा है वो आपका और चलेगा मतलब वो ऑलरेडी चलेगा और ये भी ठीक है

Keep imbibing. We believe in you.